लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो कोई अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे। अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरी बन गई हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरी बनती गई। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरी नहीं। और मैं बुरी हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकली, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। बुरे बनो तभी बन पाओगे सफल। अगर आपने इस विषय को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और आप जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों का सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, फिर आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जंगल में सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे भगवान जी कहते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस इंसान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसको जिंदगी खुलकर जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर जिंदगी जीना चाहिए। व्यक्ति चाहे किसी भी रिश्ते में हो, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा है तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वो काम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, या फिर वो इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाले व्यक्ति को हमेशा दुख ही पहुंचता है, साथ ही
जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।